हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आई हूँ। ये देखिए, बहुत सुंदर डिजाइन है। ये 3 और 2 का मल्टीप्लाई किया गया है। इस साइड भी 2 उल्टे स्टार्ट में 2 उल्टे करेंगे और 2 उल्टे स्टार्ट इधर करेंगे, फिर हमारी डिब्बी सही बनेगी। इस प्रकार से ये बाजू है, इसलिए इसमें फंदे बढ़ाए गए हैं। इस बुनाई को देखिए, कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं इसको शुरू करके बताती हूँ कैसे बनाना। ये देखिए, अभी बता रही हूँ मैं। ये देखिए, मैंने इस पर थोड़ा सा डाल के बता देती हूँ आपको। एक फंदा हमने उतार लिया, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे और जो ये 3 फंदे सीधे लिए हैं हमने, इसमें से इस पीछे वाले फंदे को इन 2 के ऊपर से ऐसे ले आएंगे। इस प्रकार एक फंदा कम हो जाएगा, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए पहले हम इसको सीधा बनाएंगे, फिर आगे धागा करेंगे, फिर इसको पीछे की साइड बनाएंगे ऐसे। ये देखिए, इस प्रकार फिर हम 2 उल्टे बनाएंगे। जो फंदा हमने घटाया था वो साथ के साथ हमने बढ़ा लिया। इसी प्रकार इधर ये देखिए, ये 3 फंदे लिए हैं, तो इन फंदों में पीछे वाले फंदे को हम इन 2 फंदे के ऊपर से इस प्रकार उतार देंगे और ये सीधा फंदा बुन लेंगे। इस प्रकार सीधा बनाने के बाद आगे धागा करेंगे और फिर 2 का एक करेंगे, आगे धागा करके फिर इस फंदे को बनाएंगे। इस प्रकार से फिर हम 2 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे और ये हमारा सीधा हो गया। अब ये देखिए, उल्टी सिलाई में हमने उल्टे पर 2 फंदे उल्टे बने थे, ये इधर से सीधे बनेंगे। ये 3 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे, ये 2 फंदे फिर सीधे बनेंगे और ये 3 फंदे उल्टे बनेंगे। इस प्रकार से अब दूसरी सिलाई इधर से ये फंदा हमने उतार लिया। अब ये देखिए, 2 फंदे हमने उल्टे बनाने, उल्टे बन गए। अब इसको देखिए, इस एक फंदे को हम सीधा बनाएंगे, फिर आगे धागा करेंगे, फिर पीछे की साइड फिर बनाएंगे, फिर आगे धागा करेंगे, फिर इस फंदे को फिर बनाएंगे। इस प्रकार से 2 उल्टे, फिर ऐसे ही सीधा फंदा बनाएंगे, फिर आगे धागा करेंगे, फिर सीधा फंदा बनाएंगे, फिर आगे धागा करेंगे, फिर इसको फिर सीधा बनाएंगे। इस प्रकार से फिर 2 फंदे उल्टे बनेंगे। आप गैप ज़्यादा देना चाहें तो बीच में गैप ज़्यादा दे सकते हैं, 2 के बजाय 4 फंदे कर सकते हैं। ये उल्टी सिलाई हमारी, उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा, इस प्रकार बनाएगा। ये 2 यहाँ पर, पहले 3 फंदे थे, 2 जाली और बढ़ गई है, तो यहाँ पर 5 फंदे बन गए।
अब हम ये पांच फंदे उल्टे बनाएंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, फिर पांच फंदे उल्टे बनाएंगे, इसी प्रकार बनाएंगे, फिर दो फंदे उल्टे बनेंगे। ये देखिए अब अगली सिलाई, ये दो फंदे उल्टे बनाए हमने और ये पांच फंदे हैं, पांच फंदे में से इस फंदे को हम पहले पलट लेंगे ऐसे, पलटने के बाद इन दो फंदों का हम एक करेंगे, क्योंकि ये बढ़ाए हुए फंदे हैं जो हमने पहले बढ़ा दिया था। अब हमने यहाँ पर वापस तीन फंदे बनाने हैं, फिर एक फंदा हम सीधा बनाएंगे और दो फंदे अब इधर बच गए, इन दोनों फंदों का इस साइड से एक बनाएंगे इस प्रकार, फिर दो उल्टे, ऐसे ही इधर, ये देखिए सेकंड में इन दो फंदों का हम पहले एक बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे और फिर ऐसे ही इन दो फंदों का एक बनाएंगे। यहाँ पर पांच फंदे थे जो इधर भी एक कर दिया, इधर भी एक कर दिया और बीच में एक सिंपल बना दिया। ये देखिए अब उल्टी सिलाई, उल्टी सिलाई में हमने उल्टे पर उल्टा और सीधे पर सीधा बनाना है, पूरी सिलाई ऐसे ही कंप्लीट करनी है। ये वही तीन और दो का मेथड है, तीन उल्टे हैं और दो सीधे बन गए। अब आगे सिलाई देखिए, दो फंदे हमने उल्टे बनाए, जो ये हमारे तीन फंदे सीधे बने थे इनको हम सीधा ही बनाएंगे। ये सिलाई में ना हमने घटाना है और ना ही हमने बढ़ाना है, इस प्रकार से हमने पूरी सिलाई ऐसे ही कंप्लीट करनी है दोनों साइड से। ये देखो फिर अगली सिलाई, उल्टी सिलाई में भी इसी प्रकार, तीन उल्टे दो सीधे, इस प्रकार से हमारी चार सिलाई बन जाती है। ये डिब्बी हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखिए मैं एक बार और बता देती हूँ कि इसको स्टार्ट कैसे किया जाता है। ये देखिए पहले दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, जो ये तीन फंदे हमारे हैं इसमें से इस पीछे वाले फंदे को इस प्रकार लूज कीजिए, लूज करने के बाद इसके ऊपर से ऐसे उतारिए और फिर इस फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर आगे धागा करेंगे और इस फंदे को फिर बनाएंगे, वापस तीन फंदे बन जाएंगे। ये दो फंदे उल्टे बन गए, ऐसे ही इधर दोबारा देखिए इस फंदे को ऐसे बनाएंगे। ये देखिए वे तीन फंदे बन गए।
ये स्टार्ट के उनकी डिब्बी इसी प्रकार से बनाते रहिए। उल्टी सिलाई में ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एकदम आसान है। उल्टी सिलाई में हमारे उल्टे पर उल्टा और सीधे पर सीधा बनेगा। सिर्फ 8 सिलाई का ही डिजाइन है, ज़्यादा नहीं है। ये देखिए, अब दोबारा फिर बताते हैं। ये पहले फंदा लेंगे, सीधा बनाएंगे इसको, फिर आगे धागा करेंगे, फिर इसको इस प्रकार सिंपल बनाएंगे, फिर आगे धागा करेंगे, फिर दोबारा फिर ऐसे ही बनाएंगे। बीच में दो उल्टे फंदे आ गए, ऐसे ही इस दूसरी डिब्बी में ये सीधा बन गए, फिर आगे धागा किया, फिर ऐसे और फिर दोबारा फिर ऐसे। इस प्रकार से ये देखिए उल्टी सिलाई उल्टी बनेगी, ऐसे ही बनता जाएगा जैसे मैंने पहले बताया था। आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। जिससे आपके पास हमारी वीडियो आसानी से पहुंच सकती है। ये देखिए इसी प्रकार बनाते रहिए। अब इसका 2 का 1 करेंगे, यहाँ भी 2 का 1 करेंगे। बीच का फंदा सिंपल बनेगा जैसे इसमें बनाया था, उसी प्रकार अब आगे भी बनता रहेगा। अब बनाते रहिए।